हाय गाइज, वेलकम बैक ऑन फोरम फॉर सिविल। मेरा नाम है प्रांजल, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि LMRC, जिसका नाम UPMRC हो गया है, उसकी आंसर की आ गई है। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इन चार चीज़ों के बारे में मुख्यतः, जिनमें पहला है क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्शन, किन किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, और रिजल्ट कब तक आ जाएगा उसकी डेट के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्शन, कि किन किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है टेक्निकल का क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 मेरे इस सेट में है। तो ये है बर्नौली क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, ये इसका सही आंसर जो होना चाहिए जहाँ तक सभी का मानना है, ये रोटेशनल फ्लो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनकम्प्रेसिबल फ्लो दिया है, तो ये एक प्रकार से गलत क्वेश्चन है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने 14,500 ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। हालांकि इसमें चाहे आप साधारण ब्याज से देखें या चक्रवृद्धि ब्याज से, इसमें क्या आ रहा है कि पहले ऑप्शन में पहले तरीके से तो मतलब ये 14,500 आ जा रहा है, लेकिन दूसरे इक्वेशन को जब आप सेटिस्फाई कराएंगे तो वो आप मतलब सही नहीं हो रहा है, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है 10²30 + sin²45, इसका मान जो आ रहा है 0.83 आ रहा है, वैसे सॉल्व करने 5/6 आ रहा है, जिसका मान 0.83 के करीब आता है। तो बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत मान लिया है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो √2/√3 लगभग 0.81 के बराबर आता है, तो ये भी एक प्रकार से सही ऑप्शन माना जा सकता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इन दोनों को इग्नोर करते हुए 2/3 ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन हमारे पास हैं। यदि आपको और क्वेश्चन में गलती कोई दिख रही हो तो हमें भेजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शन करने की कोई फीस नहीं है, यहाँ पे आप फ्री ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों को जिस जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन दिख रहा हो उसमें ज़रूर ऑब्जेक्शन कीजिएगा। तो चलिए एकदम आसान प्रोसेस मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं सरकारी रिजल्ट मैंने खोल लिया, यहाँ पर आप एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में आएंगे, तो जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था यूपी मेट्रो वेरियस पोस्ट, तो यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद जहाँ एडमिट कार्ड की लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करिए। यहाँ डाउनलोड आंसर की दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए आंसर की पे। उसके बाद यहाँ पे आप यूज़र आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, तो वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्शन फॉर्म, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर योर सेक्शन और यहाँ पे एक प्लस का निशान मिलेगा, उसके नीचे ये डिटेल दिखाएगा, यदि आपने कोई ऑब्जेक्शन किया हुआ तो उसका डिटेल है ये। तो यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करिए। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको ये खुल जाएगा। खुलने के बाद वहाँ पे आपसे चार चीज़ें मांगी जाएंगी, इसको यहाँ पे ये क्लोज का ऑप्शन है, तो यहाँ से क्लोज बटन दबा दीजिए। उसके बाद देखिए ये Shift 1 या 2, यहाँ पे कोई शिफ्ट था नहीं, तो इसलिए शिफ्ट में कोई क्लिक नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन आईडी नंबर, क्वेश्चन आईडी में आप जो क्वेश्चन की आईडी हो वहाँ से देख लीजिए, वो क्वेश्चन की आईडी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन के नीचे यहाँ क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है, ये इसमें ये वाला। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आईडी डाल दिया। दोस्तों क्वेश्चन आईडी को आप बहुत सावधानी से डालिए, यदि क्वेश्चन आईडी में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आप जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं उसके अलावा किसी दूसरे क्वेश्चन पर हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन में आप चूज कर लीजिए क्या मतलब ऑब्जेक्शन का नेचर है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे, ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है इसमें मुझे दिख रहा है कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो जो है ये सही ऑप्शन था, लेकिन इसको मतलब ये गलत ऑप्शन था, लेकिन इसको इन्होंने सही माना, जबकि मेरे हिसाब से रोटेशनल फ्लो होना चाहिए, यानी कि ये तब हम ऑब्जेक्शन का मतलब जो ऑप्शन चूज करेंगे वो इनकरेक्ट आंसर की का ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पर अब नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन में हमें इनकरेक्ट आंसर की चूज करना है। इसके अलावा और अगर दूसरा क्वेश्चन होता तो उसमें जैसे सभी क्वेश्चन गलत हैं तो वो सब मतलब आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर चूज कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शन आईडी, ऑप्शन आईडी में आपके हिसाब से जो ऑप्शन सही हो उसको आप चूज कीजिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही है।
तो इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर रिमार्क मांगा हुआ, तो यहाँ पर चलिए मैं रिमार्क डाल देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड इज एजम्पशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड द डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर आपको तीन डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान दीजिएगा ये PDF, JPG या JPEG में होना चाहिए, लेकिन इसकी मैक्सिमम साइज़ 400 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आपको इसकी साइज़ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइल मेरी अपलोड हो चुकी है, फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये इतना प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें, क्वेश्चन आईडी, नेचर ऑफ क्वेश्चन, ऑप्शन आईडी, उसके बाद रिमार्क, फिर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट, उसके बाद सीधा आप सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप जो लिखे थे आप वो यहाँ पे दिखने लगेगा, और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया हुआ था। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन पेपर का लेबल देखा होगा, ये क्वेश्चन पेपर का लेबल जो था ये कुछ 2016 के क्वेश्चन पेपर के लेबल से बिल्कुल मैच कर रहा था, जबकि 2016 में कुल 16 सीटें थी, जबकि अब की बार 58 सीटें हैं। तो इसी बेस को मैं लेके चल रहा हूँ। और एक दूसरी चीज़ जो है कि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल थे, जबकि अब की बार बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं। यदि मैं गलत हूँ कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बीटेक केवल किया हो और वो इसमें बैठा हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। तो कुछ इस अजप्शन को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देखे थे, मतलब 2016 में जो कट ऑफ गया था, जो कि 16 सीटों के साथ था, वो गया था 109 नंबर, 109 नंबर जनरल का और 104 नंबर जो था ओबीसी का था। तो अब इस बार सीट भी 3 गुने से ज़्यादा है और बीटेक वाले भी एलिजिबल नहीं हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 100 नंबर मैक्सिमम जा सकता है, और जो ओबीसी का कट ऑफ है वो 95 नंबर मैक्सिमम, और इसके अलावा जो SC ST का कट ऑफ जाएगा वो 85 से 90 के बीच या इससे कम ही रहने वाला है। इसके बाद अब हम लोग एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंसर एग्ज़ाम होने के लगभग 5 दिनों के अंदर इन्होंने आंसर की दे दिया है। तो मान लीजिए आप ऑब्जेक्शन करते हैं, उसके बाद जो फाइनल आंसर की आने वाली है वो 5 से 10 दिनों में आ जाएगी, 5 से 10 दिनों में आ जाएगी। उसके बाद फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट आना होगा। तो मान लीजिए जो आज से कुल 1 महीने के बाद आंसर, मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, हालांकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कह भी रखा है कि फरवरी या मार्च में रिजल्ट आ सकता है। तो आप मान के चलिए 25 फरवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। धन्यवाद, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। यदि आपका कोई और कमेंट या सुझाव हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या कोई अलग से जानकारी हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।